सभी लोगों का सम्मान करते हैं, रानीपुर की जनता को बहुत सम्मान करते हैं। बोल साची दरबार की जय हो, बोलो राधा रानी की जय हो, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि यहाँ प्रांगण में भागवत का प्रोग्राम है और इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम और भजनों के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और यहाँ रानीपुर में बहुत गाने के लिए हम बहुत आए हैं। जन्माष्टमी को थाने में आते थे और कैलाश साहू थे, वो रिकॉर्डिंग करते थे जब कैस्टें चलती थी। फिर से दोबारा मैं रानीपुर आ जाऊं, मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप लोगों से मिले, आप लोगों ने याद किया और हम आए। जब जब आप बुलाएंगे हम जब जब आएंगे। अभी आपने सुना था चांद तारों में छुपा चेहरा तेरा, अभी हमारे आसाराम जी भी बहुत शहर बोल रहे थे। आसाराम जी, अबे बोले के दिया है। अरे बोले तो है, हमने सुना है। कहना है कि मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं राधे, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय दोस्त मौसम की तरह बदल जाते हैं। क्या बात है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा भैया मनीष ने देख के क्या लग रहा बताओ कि क्या बात है कोयल जी, बहुत घबरा रही हो तुम। ओहो क्या बात है कोयल जी, बहुत घबरा रही हो तुम। वो ना जुड़ी है ना बुखार, फिर भी फरफरा रही हो तुम। अच्छा वो क्या बात है जो रूह से पसीना निकल आया। ओहो माना की पहली रात है शर्मा रही हो तुम। ओहो माना की पहली रात है शर्मा रही हो तुम। मगर दो शब्द पहले माँ के लिए सुनिएगा मेरी तरफ से जी। नहीं हम आप लोग कहोगे कि बड़ी बेवकूफ थी कोयल यहाँ गाने के लिए आई और माँ के लिए कुछ कहा ही नहीं। भाई वो तो सब जाने जा रहा था कि तुम रावण के भी गाओती और सामान के गाओती दालान के गाओती। नहीं नहीं अबे कछु न कहो ऐसी बात है, ना करो भागवत भाई तो। भागवत तो हो गई और हो भी गई, इसे तुम्हारी मन चलगा बना दी भागवत से। पूरन करो मेरी मनोकामना, पूरन करो मेरी मनोकामना माँ, और तुमसे करूं मैं यही प्रार्थना माँ, तुमसे करूं मैं यही प्रार्थना।
महिमा महामाया तू है शक्तिशाली, तुम्हारे दर से मां जाऊं न खा। महिमा महामाया तू है शक्तिशाली, तुम्हारे दर से मैया जाऊं न खाली। भर दो जोरदार ताली बजा दो बच्चे।